पंजाब हर कारोबार दे नाल हुण मंदिर गुरद्वारा मस्जिद गिरजाघर खुल चुके हैं, पर पंजाब दे नौजवानां दे सेहत अते शौक लई चलण वाले स्विमिंग पूल अते जिम हजे भी बंद हैं। इस गल नूं लै के स्विमिंग पूल अते जिम मालक काफ़ी नाराज़ हैं। उन्हां दा कहना है कि एक पासे सरकार नौजवानां नूं नशे खिलाफ प्रेरित करदे होए उन्हां नूं सेहत बनाउण दा संदेश दिंदी है, उधर दूजे पासे शराब के ठेके खोल के अते स्विमिंग पूल अते जिम वर्गियां सेहत बनाउण वाले संस्थावां नूं बंद रखण दे हुक्म दे रही है। उन्हां दा कहना है कि सरकार कुछ हदायतां दे नाल इन्हां नूं खोलण दी इजाजत देवे। सरकार ने सिर्फ उस जगह खोलिया जिस उन्होंने रेवन्यू आता पाया वा देखा जाए ठेका एक ठेका एक यहोजी एक मतलब कह लो कि आप उदा सरकार जिहड़ी सरकार आती पहले पंजाब सब तो पहले आई वादा करती नशा हटावे जी पंजाब तो ठीक है। तो इन्होंने लॉकडाउन च भी रिक्वेस्ट करता भाई कैप्टन अमरिंदर सिंह जी वो रिक्वेस्ट करते भाई ठेका खोलो क्योंकि रेवन्यू नहीं है सरकार को। तो सब तो वड्डी मेन मेरे हिसाब न कि देश सब तो वड्डी आ मतलब एक प्रॉब्लम हैगी कि सरकारां नूं ठेके खोल के अपने रेवन्यू इकट्ठे करने पैंदे वी आ। एक जिम एक इहोजी चीज़ जिहड़ी लोकां नूं एक हैल्दी करती है एक नशे दूर करती है वह इन्हें बंद किए हुए आ। फिर बाद जिहड़े यूथ जिहड़ा फिर नशे च जाऊगा जे जिम नहीं होणगे कमाइयां नहीं होणगियां लोकां कोल यूथ नशे च जाऊगा फिर बाद फिर जब इलैक्शन आणगे फिर आ जाणगे नशे हटावांगे जी आपां इदां नहीं चलूगा जी। उपरों उदां भी हुण आपां जिम ओनर हैगे जी साढ़े हर महीने बिजली के खर्च बिजली के बिल कोचां के खर्चे स्वीपरां के खर्चे सानू भुगतने पैंदे पे आ। आपां कद तक करांगे दो महीने हो गए जी ऑलरेडी इन्हां नूं लॉकड जिम ना खोलते हुए आपां कद तक वो सारे खर्चे भुगतते भी जावांगे प्लस अपना भी खर्चा कढांगे आ पॉसिबल नहीं हैगा। मेरे हिसाब से सरकारां नूं मेरी इक्को बेनती हैगी आ छेती छेती जिम खोलन बेशक प्रीकॉशन देन कि एक टाइम से इन्ने मैंबर होणगे फलां फलां मैंबर होणगे सैनिटाइजर होगा प्रॉपर थर्मोमीटर होगा जिहदे नाल प्रॉपर मैंबर उन्हां दा होगा स्क्रीनिंग वगैरह बट जिम खोलना बहुत जरूरी हैगी जी अजकल टाइम से। जी भरपाई तो इदा नहीं कवर हो सकती क्योंकि देखो जी टाइम अजक इदा का वा जिम खोल भी जाए तो मैंबर इन छेती नहीं आने वाले ठीक है। तो उदा भी अस आप सिक्योरिटी वास्ते आप एक टाइम से बद तो बद 10 to 12 मैंबर तो उपर नहीं रखा आप फस्ट ऑफ ऑल आप गल क्लीयर कर दी जी ठीक नहीं। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲੋਸ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਲੱਗੂਗਾ ਬਟ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਸੇਫਟੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੀ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਕਿ ਸੇਫਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਬਿਮਾਰੀ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ਵ 'ਚ ਆਈ ਆ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਵਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਖਰਚੇ ਵੀ ਚਲਾਉਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਚਲਾਉਣ ਬੇਸ਼ੱਕ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦੇ ਦੇਣ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੱਕ ਜਿਮ ਕਿੱਦਾਂ ਖੋਲੂਗੇ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੱਕ ਹੋਊਗਾ ਸਿਸਟਮ ਲੇਕਿਨ ਖੋਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਮ। ਹਾਂਜੀ मेरी यही रिक्वेस्ट हैगी है गवर्नमेंट अगे भी पब्लिक अगे भी क्योंकि यह चीज़ ना थोड़ी देर वास्ते नहीं हैगी यह नहीं है कि हफ्ते बाद महीने बाद ठीक हो जाना यह चीज़ ने चलो परमात्मा ना करे मेरे है ना यह चीज़ लंबे ही चलने वाली हैगी है। सानू लोगों को समझ के चलना पैना समझ के वर्कआउट करना पैना समझ के हर जगह जाना पैना लोग हम बहुत सियाने हो गए हैं डिस्टेंस लोग आप मेनटेन करते पे ने तो गवर्नमेंट अगे भी यही रिक्वेस्ट हैगी कि सिस्टम बना दो कि हर बंदा पांच मरले जिम च पांच मैंबर सत मैंबर दस मैंबर आन अपना वर्कआउट करन सैनिटाइज करन मास्क लगान अपना काम करन ते अपना चले जान लोकां नूं हर स्पोर्ट ते हिदा करना पैना ऐ नहीं कि साडा जिम असीं तां इस चीज़ नूं करदे पए आ कोई मंदिर हो गया कोई गुरद्वारा साहिब हो गया कोई शॉपिंग मॉल हो गया लोकां नूं हुण अपने वास्ते करना पैना वे इह च आ इशू नहीं हैगा वी मेरे जिम आ ते मैं इदां करांगा बाद च तुसीं कोई नहीं इत्थे देखदा ते मैनूं मैं जो मर्जी करी जावांगा ऐ मैं भाजी किसे वास्ते नहीं करना ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ।